हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तमन्ना ब्लॉग। सो टाइम बज रहा है रात के 10 और आज हमारे घर आ रहे हैं कोई गेस्ट। कौन आ रहा है उसके लिए आपको बनना पड़ेगा ब्लॉग के साथ। रास्ता नहीं पता चल रहा था, बड़ी मुश्किल से कैब हुई। अभी देखते हैं, पता लगेगा कि सीढ़ियों से ही खज्जल हो जाए। हाँ, थोड़े दिन तो मुझे रौनक हो जाएगी। ओ हो, इतनी तेज सीढ़ियां गाइस, इतनी तेज सीढ़ियां चढ़ के आई, मेरे को लगा कि भूल लग रही हो। आ जा। तो ये आ गई है हमारी सगुन। कैरी वीडियो मत बनाओ, हालत खराब हो रखी है। ये गरीबों का फ्लैट है बेटा, आपके लिए सब कुछ सामान पड़ा हुआ है, खाने पीने का खा सकती हो तुम। जब तुम्हारे लिए फ्रिज पे भी भरा पड़ा है, पानी तुम्हारे लिए, जो पीना है, जो खाना है। नाइस। कैसे सामान देख के खाने के मामले गाइस, एक नंबर की। आप देखते रहे ना कितना कुछ खाएगी है, ये एक नंबर है खाने की। कुछ नहीं बचेगा मुझे लगता फ्लैट में, जब तक इसने जाना होगा ना तब तक तो कुछ ही नहीं बचेगा। बैठो शगुन, आपके लिए हम पानी लाते हैं। वेट साहब का स्वागत हो रहा है कुछ इस प्रकार। गर्मी है ना इधर बहुत, मेरे फ्लैट चल लगो है। माता को फोन करो, अपनी मासी को फोन करो कि मैं पहुंच गई हूँ, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी आपने। यहाँ है बहुत ही गर्मी, आपको तो गर्मी लग रही होगी चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा। इससे ज्यादा दिल्ली में थी मेरी बहन है, दिल्ली में इसको लगी बहुत ही गर्मी, दिल्ली से डायरेक्ट टपकी यहाँ पे। कह रही मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेकअप करने दो तब बना। मैं ये देखो व्हाइट कुर्ता है, ऐसे किया भाई, इतना डर्ट, इतना कुर्ता काला हो गया मेरा, डर्ट पोल्यूशन तो। इधर कभी सवेरे धोली ना, मेरे भी कपड़े धो दिए। ठीक है, कपड़े धुलाने बुलाए गाइस, असली असली सस्तो अब निकला बाहर। मैं तो मजाक कर रही हूँ, कंटेंट है ये तो। गाइस मैं सवेरे कपड़े धुलाऊंगी, आपको दिखाऊंगी जब ये कपड़े धोएगी। अब कालिया चला गया ना तो गालिया के बाहर, कालिया की जगह मेरे को बुलाया है कपड़े धोने के लिए। आपके लिए मोमो, स्प्रिंग रोल और माजा और ये क्या बोलते हैं इसको, मंचूरियन खाओ, फिर उसके बाद खाने का प्रस्थान करेंगे। और ये मेरे फोनों की सेल साइड कर दो। मैं इनमें से ये वाला दे रही हूँ, नहीं इसकी ज्यादा दे रही हूँ यार। ठीक है मैम, और कुछ चाहिए मैम? फोन बुक हो गया, इसमें से आप किसी चीज की उम्मीद ना रखें। मुझे कुछ नहीं खाना, मैं खा चुकी हूँ, मैं खा चुकी हूँ। अभी सबको हम खाएंगे, ठीक है। दिल्ली से आए आधे भूखे, एक 12 वर्ष की भूखी बोल। 12 वर्ष की भी बोल, 12 जन्म की। ठीक है, रास्ते में गाड़ी रोकी लेकिन वो बुढ़ापा ऐसा था कि, और टेंशन नहीं लेनी, इसके बाद और आइटम पेश करी जाएगी। फिर मतलब मैं थोड़ा खाऊं, मैं आपका बोलने का मतलब कि मेरे को भी रख ले। नहीं नहीं नहीं, आप खाओ मैम, ऐसी कोई बात नहीं, आप गेड़ा दो फूल। ओ शगुन जी, आपका डिनर आ गया है। शगुन मैम भूख नहीं है, मेरे को इतना कुछ खिला दिया है यार, खाना पड़ेगा। शगुन मैम आप बीमार होगी तो रानी मासी छोड़ेगी नहीं मुझे। बीमार मैं खा के हो जाऊंगी मैडम, थोड़ा सा खा लो मैम। गाइस ये किसी ने लव लेटर लिख के दिया है। ये फीडबैक है गाइस, कोई लव लेटर नहीं है, ये कोई फीडबैक के लिए है। और फीडबैक हमारा है ऐसा कि जब खाने का पता लगेगा तभी हम बताएंगे। कुछ खाओ मैम, बहुत अच्छा मैंने आपके लिए मंगवाया है, कुछ स्पेशल मंगवाया जो कि आपको अच्छा लगे, जेड़ा जो आपसे कूल भी नहीं है। चिकन वगैरह ना हो, चिकन ही खाती तू भाई। सावन का महीना लगा है ना, माफ करो रब्बा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगी सच में, करूंगा भाई मुझे सोमवार और मैं नहीं खा सकती। सो गाइस अब हमारी आइसक्रीम का टाइम हो गया है। खाओ पियो मित्रो, ऐश करो, दिल का देखी से दादू खाया। गुड मॉर्निंग हो चुकी है और राहुल बोल रही हूँ, राहुल की याद आ रही। सो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है और ये देखो शगुन सवेरे सवेरे गेड़ा देते हुए, आप देख सकते हो, हलवा चने पता नहीं पूरी और चावल और चने सब कुछ खा रही है। देखो गेड़ा कैसे दे रही है, देखो ए चाल। आहा, मैं खा चुकी हूँ मैडम, आपको कैसा लग रहा है? Delicious. कभी कभी आलू च बाबे बुरकी मार रही है, कभी इधर मार रही, कभी इधर मार रही है, हालत कंफ्यूज हो गई, भोतल गई है, मैं केड़ी सब्जी खावा केड़ी छड्डा। इतना टेस्टी सब कुछ, ये स्पेशल काजल ने भेजा है, थैंक यू सो मच काजल, बहुत ही टेस्टी हलवा पूरी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी, थैंक यू सो मच। मिर्च है लेकिन फिर भी मैं खा रही हूँ, ये बहुत टेस्टी है, छड्डी ना बस डब्बे है मार दीजिए बना लो। सडनली हमारा प्रोग्राम बन गया, प्रोग्राम तो हमारे दो बने हैं बट अभी ये वाला प्रोग्राम बन गया। हम कहाँ जा रहे हैं शगुन बेटा बताइए? स्विमिंग पूल में।
दस्ता पहले मैं तुझे क्या सुना नहीं है। सो गाइज अब हम जा रहे हैं, पहले अपनी फ्रेंड को पिक करूंगी फिर हम जाएंगे। तो गाइज देखना ये कैसे तैरेगी, इसको तैरने नहीं आता है, बने रहना ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइज। 5-10 मिनट हो गए थे मेरे को यहाँ पे खड़े, उनको भी हो गए थे, ना मैंने कॉल करी ना उन्होंने कॉल करी। उनको लगा कि मैं उसमें आऊंगी, थार में आऊंगी, और उनको ये नहीं पता आज है धन्नो अल्टो। दो धन्नो। तो मैडम जी आ चुकी है, ब्लॉग बनाती बनाती आ रही है। मैंने बोला चलो मैम आप भी ब्लॉग बना लेना। जाने मन तुम थार को देख रहे थे ना, मैंने फोन कर रहा हूँ। चलो चले तो देखो गाइस, ये है वो फेमस चेहरा यूट्यूब का जिसका मैंने आपको मिलाना था और इस हालत में मिलाना था। इस हालत में मिलाना, मिलते हैं जल्दी हम अपनी लोकेशन में पहुंच के। बाय बाय। सो गाइस हम आ गए पुल में, अभी डिसाइड कर रहे हैं बाहर जाके क्या बनता है। बेकार। ओह माय गॉड। Oh my god. Guys, entry इतनी खतरनाक है, पूल कितना खतरनाक है। चेक एंट्री चेक कर करते नहीं अपा, एंट्री पूरी सिरा रखी है अपा, गद्दा भी रखा जो कोई थक जाए इसमें भी करके फिर सो जाए, टेंशन नहीं। चलाओ अब ड्राइवर चेंज हो गया क्योंकि मैं बनाऊंगी ब्लॉग, और आप आगे बैठो, ब्लॉग बनाऊंगी मैं। और अब हम जा रहे हैं 6 फेज। चलो चलो आप देखो मेरी बात सुनो, जैसे ब्लॉक चला गाड़ी दी मैंने वैसे ही बंदी। डोंट वरी बेटा मैं सही चलाऊंगी गाड़ी क्योंकि मैंने अल्टो चलाई, गाड़ी से चलाई हुई है। सोचो पहले ना इन्होंने जैसे मुड़ी ना इनके मुंह का एक्सप्रेशन मुझे पता लगा, कह रही मन पहले एक दो मिनट तमन्ना कुछ तो सही बोल रही थी बेचारी, तब कैसे बोल रही थी मैं तो चला दूंगी। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, एक दो मिनट तो लगता है ना ये गाड़ी को समझने में, तुम 1 घंटा ले लो। नहीं नहीं 1 घंटा ले लो, फिर मैं सही चला रही हूँ। टायर फट गया ना तो क्या मारोगे, टायर फटा दो क्योंकि ट्यूब लगी हुई है उसमें, टायर भी चेंज होने। ये हाँ मैं और शगुन जाएंगे स्विमिंग करने, मैम टायर ट्यूब डलवा के आएंगे। ये तो मैंने इसको नहीं था वैसे, इसमें टायर ठीक करवाना है, नवे डलने इसमें खींच दो, कोई चक्कर नहीं। कराओ कराओ काम कराओ, चल जा। ये मैंने आते ही स्विमिंग पूल से उतरते ही मैंने बोला मैम लोग, मैम बोले इतनी स्पीड क्यों मांग रही है आगे तक चढ़ा क्यों मांग रही है, जहाँ पे इसका रेस है ना वहाँ पे मैट है, वो मैट अड़ रहा है, वो नीचे रेस नहीं जा रही है बेटा। अच्छा हाँ मैट तो अभी लगाया, पहले मैट नहीं थे। नहीं नहीं अच्छी कर रही है गाइस। हमारे शिवम गुप्ता जी ने ये गाड़ी चलाई, वो भी जवाब दे गए थे, हाथ खड़े हो गए थे उनके क्योंकि उनसे बार बार बंद हो रही थी, फिर उन्होंने दी जट्टी नु, जट्टी नु दी, जट्टी ने देखो हाथ ही काटती टट्टी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, बड़े रहिए ब्लॉग के। ओ मेरी जानी हाय बो हो जा यार क्या हो गया गाइस, देखो चेक कर ड्राइवर चेक कर, नहीं 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 भाई ये तो मैं मानती हूँ मैडम बहुत कैंट रहे। देखो गाइस गाड़ी बंद, गाइस गाड़ी बंद, ये इसीलिए स्पीड दे रही थी मेरी जान मेरे क्लेजू। गाड़ी की गियर में भी प्रॉब्लम है पता है, गियर नहीं डल रहा है फर्स्ट। अच्छा। सच में वो भाई चली जो नीचे रेस, जब आपने मुझे बोला गियर तीसरा है जब मैं पहले भी डाल रही थी। बाकी सब ठीक है ना, बस पीछे वाला अपने बंदे को, भाई मेरा फोन देखो कहां पहुंच गया, इसमें ही बुला गाइज अब ब्लॉग बना लू इसमें, फिर दूसरे फोन में इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, अपने चैनल का नाम बोलो। मेरे चैनल का नाम है कॉमेडी वीडियो विद शीना, ये शीना सबका दिल इसमें है शीना। क्योंकि ये है हमारी शीना, बने रहिए ब्लॉग के साथ, दूसरे वाले फोन पे बना ले गाइज, क्या करे जिम्मेवारी दे रखी है, ड्राइवर को तंग नहीं करना हमने, अच्छी गाड़ी चला रहा है वो। ओके बाय बाय स्टे ट्यून। पता नहीं कम से कम मैडम ने 10 बार गाड़ी बंद कर दी होगी है ना शगुन, 11वीं बार बंद कर दी। मेरे को बोल रहे थे ऐसे वैसे, मैंने बोला चलो ठीक है मैडम को स्वाद दे दे, अब आते हुए चलाऊंगी मैं। शगुन फिर से बंद, ओह माय गॉड, शगुन किसकी ड्राइविंग अच्छी थी, गियर चेंज करो, दूसरा है चौथा क्यों डाल रहे हो। नहीं देखो गाइस ए ए शगुन किसकी ड्राइविंग अच्छी थी जल्दी बोलो, मैं तो राहुल ये थोड़ी सी दूर चलाई थी यार, मैं अभी जाते हुए चलाऊंगा का 5 मिनट था ना, और मेरा 20 मिनट है तो फिर ये तो देख मैं बनता नहीं कितनी सी कबरी भी चार 5 मिनट टर्न लेफ्ट और चल कैसे रही थी गाड़ी बिल्कुल 10 की स्पीड में वो भी बताओ। तो वो मुझे तो इसका वीक पॉइंट पता था, मैं तो तब चला रही, तुम ही खींच रहे हो फरारी बना रखी अल्टो फरारी।
लोकेशन कहाँ गई गाइस? टर्न लेफ्ट। चुकी है स्विमिंग पूल, छह फेस वहां पसंद नहीं आया, अब यहाँ पे देखते हैं नजारे फुल ऑन। पहले पर देख लो स्विमिंग पूल लगता कैसा। नहीं अच्छा है ये तो, मैं आई हूँ पहले, दो तीन बार आए हैं हम। तो गाइस हम पहुंचे गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। लोकेशन है बहुत ही जबरदस्त। हम एक और जगह गए, कहाँ पे गए थे अभी हम? छह फेस गए, वहां भी उन्होंने मना कर दिया, कहते यहाँ पे अब गवर्नमेंट का हो गया है इस करके नहीं हो सकती वहाँ पे स्विमिंग। तो अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह पर। एक बार हमने यहाँ शिवालिक सोचा क्यों ना यहाँ देख ले, अभी गए हैं मैडम पूछने शिवालिक, तो फिर देखते हैं, बने रहिए ब्लॉग के साथ। Stay tuned.